तो वेलकम बैक टू रामजी टेक्निकल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप लोग लैपटॉप में दो स्क्रीन कर सकते हैं और दो स्क्रीन पर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक मान लीजिए गूगल क्रोम ब्राउजर है जिसमें हम कुछ चीजें जानकारी लेकर सर्च करने वाले हैं और काम करने वाले हैं। तो मान लीजिए इसको हमें दो स्क्रीन में करना है, तो आप एक तरफ तो आप हाफ ऑफ कर सकते हैं, एक ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर नीचे करेंगे इसको, या इस तरीके से इस पर दबाएंगे तो ये इस तरीके से हाफ में आ जाएगा। एंड इसको थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से खींचेंगे एंड ऊपर यहाँ पर लाएंगे ऐसे माउस और इसको इस तरीके से करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एंड इसको हम ऊपर रख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जानकारी जो भी हो आप जानकारी मान लीजिए कि मान लीजिए कोई भी जानकारी हो सकती है यहाँ पे, मान लीजिए कि मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं काम। एंड उसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास एमएस वर्ड है, अब ये एमएस वर्ड पर कुछ भी काम करना है तो यहाँ पर भी एक यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है मिनिमाइज मैक्सिमाइज को, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से हो तो आप यहाँ पर इस तरीके से लाएंगे माउस कर्जर और इस तरीके से आप इसको थोड़ा खींच देंगे, नीचे की साइड में भी आप यहाँ पर लाएंगे एंड इसको ऐसे खींच देंगे यहाँ पे इस तरीके से, एंड ऊपर से आप यहाँ पर लाएंगे और ऊपर से भी आप यहाँ पर कर देंगे, ओके। तो इस तरीके से देखिए मैंने आप यहाँ पर खींच रहा हूँ कि इस तरीके से आप यहाँ पर जो लेफ्ट पैड है माउस का उस पर दबा कर आप इसको खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट माउस क्लिक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये लोग को नहीं पता है उनके लिए। यहाँ पर मैं लैपटॉप माउस पैड यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर ये मैं कुछ इस तरीके का दिखाता हूँ। ये कुछ पैड होता है जैसे माउस पैड, तो आपको ये वाला जो है ना इसको दबाना है, ठीक है। और यहाँ पर इसे आपको माउस ले जाकर इसको दबा कर खींचेंगे ऐसे। मान लीजिए कि मुझे अगर इसको करना है तो मैं इस पर ऐसे लाऊंगा माउस को और फिर वो और जो की है लेफ्ट की दबाकर मैं उसको ऊपर नीचे से मूव करूंगा तो ये ऊपर नीचे होगा, ओके। तो चलिए एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए कि इसे हम यहाँ पर हाफ ऑफ करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही इजी है। आप इधर इसको लाइए और यहाँ पर अपना जो माउस की माउस कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेगी, आप इस पर लीजिएगा, क्लिक कीजिएगा इस पर तो ये हाफ में आ जाएगा स्क्रीन के हाफ में। एंड ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट है इस पर क्लिक करें तो ऐसे भी आ जाएगा, और नहीं आएगा तो आप इसे यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ये ऐसा है तो इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर लाकर क्लिक करेंगे तो ये हाफ में हो जाएगा, आप यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप लोग लैपटॉप में दो स्क्रीन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है एक चीज जिससे आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसको बड़ा कर दिया है और ये जीमेल मैंने खोल दिया है यहाँ पे, और तो यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ। बेसिकली ये मेरा एक डेस्कटॉप है, तो यहाँ पर एक लैपटॉप विंडोज 11 का जो नया फीचर आया है उसके मुताबिक आपको यहाँ पर एक फीचर मिलेगा। देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2 एंड मल्टीपल है, तो यहाँ पर भी आप कई सारी स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे कि न्यू डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे तो एक नया स्क्रीन खुल गया, न्यू डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चौथी स्क्रीन खुल गई। अब इस पर क्लिक करके आप मान लीजिए आप इस पर काम कर रहे हैं तो इस पर काम कर लिए, अब आपको पहले वाले करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और पहले वाले पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं, देखिए बीच बीच में मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इस पर आ गया, तो देखिए, ठीक है, ऐसे आप इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है ना, देखिए, ओके। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डेस्कटॉप ओपन होगा इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो भी न्यू फाइल वगैरह ओपन करेंगे तो ये जो फाइल ओपन होगी ये दूसरे डेस्कटॉप में होगी। जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये दूसरे डेस्कटॉप में क्लिक हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लैपटॉप में दो स्क्रीन पर काम कैसे किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।